हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप बिगिनर हैं या आप ड्राइंग करना, स्केच बनाना सीख रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, ये एक प्रिंटर पेपर है जो A4 साइज़ का होता है और ये एक ड्राइंग शीट है। तो ड्राइंग शीट भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है और ना ये प्रिंटर पेपर जो A4 साइज़ का है ये भी कॉस्टली नहीं होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइट शेड्स पेंसिल और डार्क शेड्स पेंसिल। ये HB पेंसिल है जो काफ़ी लाइट है। ये 3H पेंसिल है, ये भी लाइट है। सब में वेरिएशन होते हैं, ऐसा नहीं लाइट मतलब एक ही शेड हो। लाइट शेड्स में भी वेरिएशन आते हैं अलग अलग। ये 8B पेंसिल है, ये 5B पेंसिल है जो डार्क होती है, ये भी 8B पेंसिल है जो डार्क होती है। इसी के साथ आपको एक ब्लेंडिंग के लिए ब्रश चाहिए जिसे आप ब्लेंड कर सकते हैं इजीली। ये भी स्मूथली ब्लेंड होता है और ब्लेंडिंग के लिए आपको पेपर स्टम्प ज़रूरी है। लेकिन आप पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप बिगिनर हैं, तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प की जगह पर आप ईयरबड्स भी यूज़ कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है। आप स्टिक में कॉटन रोल करके आप इसे ब्लेंडिंग पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। और आप इसी तरह लीड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल पेंसिल जो 0.5 mm की है, 0.7 mm की है। तो इतना ही आपको मटेरियल चाहिए अगर आप ड्राइंग करना सीखना चाहते हैं। आप घर पे हैं, लॉकडाउन में हैं, आप कोई अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो ये सबसे इजी वे हैं। आप इतनी सी चीज़ों से आप ड्राइंग करना सीख सकते हैं।